नमस्कार भाई दोस्तों, कल चौधरी जयंत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा में आ रहे हैं। सुबह 10:30 बजे रोड टोल के ऊपर और फिर 11:30 बजे खेड़ी चौपटा जो किसान धरना लगा हुआ है उस धरने में शामिल होंगे। उससे पहले हरियाणा की सियासत में पता है सबको सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती है, क्योंकि जयंत चौधरी पहली बार आ रहे हैं हरियाणा में। उससे पहले इनकी सरगर्मियाँ इतनी तेज़ होगी, क्यों आ रहे, किस लिए आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो रीजन आने का वो क्लियर कर देते हैं कि जयंत चौधरी आ क्यों रहे हैं हरियाणा के अंदर। सबको पता है चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और चौधरी अजीत सिंह के लड़के हैं। जितना चौधरी चरण सिंह ने किया किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सभी के लिए, उसका भी सबको पता है। जितना चौधरी अजीत सिंह ने किया उसका अगर भारतीय राजनीति में कोई नेता 1% भी कर दे किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, तो किसान मजदूर खुशहाल हो सकते हैं। जितना चौधरी अजीत सिंह ने किया था उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, 1% भी कर दे तो भारतीय राजनीति में कोई भी नेता। जाते जाते चौधरी अजीत सिंह साहब ने बोला था कि किसान का मजदूर का कोई भी नहीं है, उनका हमेशा साथ देना। किसान आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय रहे थे चौधरी जयंत सिंह, लेकिन कभी किसी स्टेज के ऊपर या कहीं पर भी कोई वो नहीं कि आना हमारे को स्टेज पाना है। नीचे रह के ये बोला था कि किसान मजदूर की हमने सेवा करनी है और वो की पूरे तन मन धन से की, ये भी सबको पता है। अब जो खेड़ी चौपटा में धरना चला हुआ है, सरकार गलती किसकी है, गलती अधिकारियों की है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। मानने की सरकार भी मानने की सब कुछ होगा, वहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। जो साथी रोध टोल के नज़दीक के हैं, आसपास के गांव हैं, गांव के हैं, वो मिलना चाहते रोध टोल पर मिल सकते हैं। उसके बाद खेड़ी चौपटा पर रहेंगे, किसानों के बीच में बैठे रहेंगे, वहाँ पर आप आराम से मिल सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं। ये नहीं कि एक बार सुनते हैं और समस्या को वहीं छोड़ देना, उस समस्या का निवारण होता है, ये भी सबको पता है। चाहे खेल कोटे वाले खिलाड़ी मिले थे, जिंदर बॉक्सर मिला था, उनका भी निवारण हुआ। वो तरीका हर तरीके से हर चीज़ होती है, यह सबको पता होना चाहिए। जो लड़कियां हैं उनसे भी बात हुई थी, वो भी आएंगी खेड़ी चौपटा आएंगी मिलने के लिए, वो भी अपनी समस्या बताएंगी, उनका भी निवारण किया जाएगा। उनसे मिलेंगे, वो अपनी समस्याएं बताएंगी, वो जैन चौधरी कैसे करते हैं वो सबको पता है, उनका भी समस्या का समाधान होगा। चिट्ठी लिखेंगे राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, खुद भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे, सबको लिखेंगे, उनका निवारण भी हो जाएगा, लड़कियां वहाँ पे आके मिलेंगी। लेकिन इतनी सरगर्मी कि आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, एक तो 2-3 बार जो झूठ बोला गया था कि जयंत चौधरी 7 तारीख को खटखट टोल पे आएंगे, फिर 8 तारीख को आएंगे, ऐसा मत करो सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ, 10 तारीख को आ रहे हैं, कल 10 तारीख है, सुबह 10:30 बजे पहुँच जाएंगे रोड टोल के ऊपर, 5-7 मिनट का वहाँ पे है, उसके बाद आपको खेड़ी चौपटा में मिलेंगे, वहाँ आराम से बैठना, अपनी समस्याएं बताना, जितने भी साथी हैं, समस्या का समाधान नहीं होता तब बताना। और जो ये सरगर्मियाँ हैं ये तो सबको पता है तेज़ होनी ही होनी है, क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने पैर फैला रही है, लोग जा रहे हैं, लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। वो तो अभी तक चौधरी साहब ने ना तो क्लियर किया है कि हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले ही सभी के हाथ पैर फूलना इस बात का संकेत है कि कितना दम रखते हैं, वो दम कितना रखते हैं लड़ने का, ये इस बात का संकेत है। एक तरफ बीजेपी के भी कान खड़े हो रहे हैं, आम आदमी के भी कान खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के भी खड़े हो रहे हैं। अरे भाई, अगर लड़ना होगा तो खुल के बताते हैं और तब लड़ते भी हैं, चुनाव लड़ना होगा तो खुल के बता देंगे जब चुनाव लड़ना होगा। अभी वो सिर्फ आ रहे हैं जो किसान मजदूर जो बैठे हुए हैं मुआवजे के लिए, उनके लिए आ रहे हैं, उनके पास बैठेंगे, उनको अपना समर्थन देंगे, और आगे की जो लड़ाई है वो उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, इसलिए आ रहे हैं। इसलिए सभी साथियों से एक अपील है, जो भी आसपास के जितनी भी जो समस्याएं हैं, पहले 10:30 बजे रोड टोल के ऊपर जो साथी मिलना चाहते हैं, अपनी जो समस्याएं हैं वो आप बता सकते हैं, आराम से उनको सुना जाएगा, उनका निवारण किया जाएगा, यानी कि सिर्फ सुना जाएगा। आजकल के नेता क्या करते हैं, सुना अगर आप लिखित में दोगे तो पर्ची दूसरे को पकड़ा देते हैं, ऐसा इस मामले में बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं इनको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी छोटी से छोटी समस्या बताना, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है उसके ऊपर पूरा गौर किया जाता है। ये खासियत इस लड़के के अंदर हमने देखी है, इसलिए इनसे जुड़े भी थे। कुछ लोगों ने बोला था कि राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर ली, नहीं की है भाई, ऐसी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन इनके काम को देखते हुए, और ये एक रिक्वेस्ट सभी से मैंने भी की थी, आप नेता देखो, पार्टियों के चक्कर में इस चक्कर में मत रहो, जो नेता आपके साथ खड़ा है, दिन रात आपके साथ खड़ा रहता है, उससे जुड़ो और उसका साथ दो,
उसको और ज्यादा जितना ज़्यादा उसको मजबूत करोगे उतनी मजबूती आपको मिलेगी, आपकी लड़ाई में मजबूती प्रदान होगी उस चीज़ की। वो बात हो चुकी है, वो साथी जो मिल रहे हैं अपनी समस्याएं बताएंगे, लेकिन आइए ध्यान रखना समाधान होगा। और जो डर रहे हैं चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़ेंगे ना, चुनाव भी लड़ेंगे तो खुल कर लड़ेंगे, ये सबको पता है। वो पहले ही घोषणा कर देते हैं, वो जैन चौधरी के ऊपर है, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी से पहले क्यों, मैंने तो एक बार पहले ही बोला था कि जैन चौधरी को हरियाणा में भी आना चाहिए, मैंने तो चंद्रशेखर रावण के लिए भी बोला था, वो आएंगे तो और ज़्यादा सरगर्मियाँ तेज़ होंगी, सबको पता है। आएंगे वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, सभी आएंगे। जो ये हरियाणा में चल रहा है ना, ये सबको पता है, तंग आ चुका है, पूरा हरियाणा तंग आ चुका है, बदलाव चाहता है। तो बदलाव के लिए वो एक चेहरा भी देना पड़ता है, वो तो बाद की बात है। पहले आप आइए, जितने आसपास के साथी हैं, रोड टोल वाले हैं, जो रोड टोल के आसपास के गांव के साथी हैं, वो आप मिलो। उसके बाद खेड़ी चौपटा में रहेंगे, 11:30 बजे पहुंच जाएंगे, वापसी का होगा उनका 2-3-4 बजे का, वो वापसी का बाद का है, तब तक आप वहां पर आ सकते हो, मिल सकते हो और अपनी समस्याएं बता सकते हो कि ये समस्याएं चली हुई हैं। सबको पता है हर बार आंदोलन नहीं होता दोस्तों, और इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं होता। अगर बात हमारी वैसे ही मानी जाती है तो हमें आंदोलन करने की ज़रूरत क्या है, हमें तुम्हारी मांगे मनवाने से है ना। तो अगर आपको अपनी मांगे मनवानी है, आइए वहाँ पे मिलिए और जानिए उनके विचार क्या हैं। विचारों तब तक किसी से नहीं मिलते, आपको उनके विचारों का पता ही नहीं लगता। सोशल मीडिया पे कुछ चलता है, हकीकत कुछ और होती है। वहाँ पे आओ, अपनी समस्याएं बताओ, और भी हैं जिनकी जो भी समस्या है आप वहाँ पर बताना, समाधान ना हो तो बताना, फिर समाधान है वहाँ पे है। आएंगे कल रोहित जाखड़ भाई भी आएंगे, उनसे भी पहली बार ही मिलेंगे, अभी तक सोशल मीडिया या फ़ोन के ज़रिए ही मिले हैं, लेकिन अब मुलाकात होगी। स्वागत है जाखड़ साहब आपका हरियाणा के अंदर, जैन चौधरी जी का तो है ही है स्वागत। हरियाणा तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, शायद इतना इंतज़ार यूपी वाले नहीं करते जितना हरियाणा वाले कर रहे हैं चौधरी साहब का, और वो कल मिलने पर पता लगेगा। कल मिलते हैं, कोई राजनीतिक मायने मत निकालना इस चीज़ के, राजनीतिक मायने बहुत जल्दी निकलते हैं किसी भी उसके मुलाकात के, राजनीतिक मायने मत निकाले और किसी भी चीज़ के। वो आ रहे हैं गरीब मजदूर के लिए, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, वो चुनाव लड़े ना लड़े लेकिन वो लड़ते रहेंगे। जहाँ पर भी किसानों पे मजदूरों पे कोई भी जुल्म होगा वो वहाँ पर जाएंगे, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, अगर पंजाब में भी होगा तो वहाँ भी जाएंगे, लड़ेंगे। सहयोग करो, मजबूत करो, वो आपके ऊपर है। सभी साथियों को राम राम भाई।